केराना में मैजिक और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत से मैजिक में सवार स्कूली बच्चों की हालत गंभीर है। मैजिक में 25 लोग सवार थे जो कि सभी घायल हो गए। भिड़ंत में मैजिक में मौजूद 8 स्कूली बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जिन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। बता दें कि मामला केराना कोतवाली क्षेत्र के झिंझाना रोड का है, जहां पर मैजिक और ट्रक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि मैजिक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें मैजिक में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी घायलों को स्थानीय लोगों ने केराना के स्वास्थ्य समुदाय केंद्र में भर्ती कराया। आपको बता दें कि यह मामला सुबह 8 बजे का है, जब मैजिक में सवार होकर कुछ लोग और स्कूली बच्चे केराना आ रहे थे। तभी केराना बाईपास पर मैजिक की ट्रक से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में मैजिक में सवार 8 स्कूली बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है, जिन्हें मेरठ के लिए रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। नाम आपका? वासिल। वासिल, कहां के रहने वाले हो? अच्छा, क्या मामला हुआ जो बच्चे घायल हुए हैं गाड़ी से? जैसा सर, मैं सवारी गाड़ी चलाता हूँ। मैं जैसे ही मैंने सोचा सर, स्कूल के बालक मिलते हैं जो सारे स्कूल सुबह के टाइम पे हैं, जो बिना वाहन के जाते हैं, कोई स्कूल की ट्रांसपोर्टर वाले जो गाड़ी से जाते हैं, तो मैं डगमारी में जो सवारी चलाता हूँ, कुछ उसमें सवारी थी बहुत चार, और उसमें तकरीबन 15-20 बालक थे, 10-15 बालक थे, तो मेरे ध्यान में कितना होंगे। तो जैसे ही मैं जा रहा था, तो मैंने सामने से रॉन्ग साइड ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, मैंने जो ब्रेक लगाए, तो इतना मैं ब्रेक लगा दे रहा था, उन्होंने मेरे सामने से टक्कर मार दी। टक्कर? कितने इससे बच्चे घायल हैं और कितने कौन कौन कितने बच्चे घायल हैं? सर तकरीबन 7-8-10-12 बच्चे करीब घायल हैं। घायल हैं? पुलिस आई थी? पुलिस आई थी 5-10, थोड़ी लेट आई थी। अच्छा, कहाँ के बच्चे हैं जो घायल हुए, कहाँ छोड़ने जा रहे थे आप इन्हें? सर गाँव के ही हैं, कुछ 4-5 पब्लिक इंटर कॉलेज के हैं, एक लड़की फाजाकंड इंटर कॉलेज की है, 2 लड़की कोचिंग पर जाती हैं, ऐसे ही मतलब 2-4-5 बच्चे SV स्कूल के हैं, स्वामी विवेकानंद के, 3-4 बच्चे दो DK स्कूल के हैं, इस तरह से बच्चे थे। शामली से वाजिद अली की रिपोर्ट।